बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ें क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर 4 पेयर्स ऑफ वैल्यू। हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 4 पेयर्स ऑफ वैल्यू हो, यानी कि एक्स और वाई वैल्यूज़ हो। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। इस टाइप के हमने 4 वैल्यूज़ पेयर ऑफ वैल्यूज़ बनानी है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए हम इस y को शिफ्ट कर देते हैं टू द राइट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इसकी हेल्प से अब मैंने 4 पेयर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहले मैं लेट करता हूँ कि लेट y इक्वल्स टू, y की हम वैल्यू 0 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में पुट करें तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 0, सो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे नीचे हम टेबल भी बना लेते हैं ताकि हम जो जो वैल्यू फाइंड करें उस टेबल में लिखते जाएं। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम x की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड हम y की। जब x की वैल्यू y की वैल्यू मेरे पास 0 थी तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 4। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब सेकंड, नाउ लेट y इक्वल्स टू प्लस 1, यानी कि अब इक्वेशन 1 में मैं क्या पुट करूँगा? y की जगह प्लस 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को दोबारा लिख लेता हूँ, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर दें, x इक्वल्स टू 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। यानी कि जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ पर देखिए y के पोर्शन में हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, तो 2 हमारे पास हो गए। अब थर्ड के लिए, इसी तरीके से थर्ड के लिए कि लेट y इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, नाउ इसको अगेन इक्वेशन 1 को मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है? x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे अब x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस 1। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 1। 4 से 1 को माइनस करें तो आ जाएगा 3। यानी कि y की वैल्यू जब मैंने -1 ली तो x की वैल्यू क्या आई? 3। तो ये थर्ड मेरे पास पेयर बन जाएगा। अब लास्ट पेयर देखिए, क्योंकि 4 मांगी हुई है मेरे से वैल्यू, तो लेट y इक्वल्स टू मैं 2 ले लेता हूँ, प्लस 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई इक्वेशन 1 को लिख लेना है आपने। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करें तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2, दोनों को प्लस करें सो x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है? 6 और y की वैल्यू 2। तो ये आपके पास टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसमें 4 पेयर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। एक आपके पास फर्स्ट पेयर ऑफ वैल्यू, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। हमने एक ग्राफ बनाना है और फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है पार्ट ए, y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है, तो सेम वही मेथड है जो कि इससे पहले हमने क्वेश्चन में यूज़ किया था, सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। अब इस 2x को हम शिफ्ट कर देते हैं टू द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। सेम उसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज़ लेट करेंगे सेम उस तरीके से। पहले 0 लेंगे, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, प्लस यानी कि -1, -2, 4 वैल्यूज़ या 5 वैल्यूज़ तक हम इसमें पुटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट राइट हैंड साइड पर x है ना, तो लेट x की वैल्यूज़ लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, y इक्वल्स टू 6 प्लस 2, x की जगह 0, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 6 प्लस 2, 0 और y इक्वल्स टू 6। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 6 हम, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब यहाँ पर देखिए हम सेकेंड, नाउ लेट हम लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू प्लस वन, एक्स इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 6 प्लस 2x, ठीक है। देन y इक्वल्स टू 6 प्लस x की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, 1 को। तो यहाँ पर इसको पुट कर दे 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 प्लस 2 1s are 2 और 6 और 2 को ऐड कर ले तो इससे आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 होगी तो y हमारे पास क्या होगा ऑर्डर पेयर में 8। इसी तरीके से ही अब हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। नाउ x इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू -1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस और 2 1s are 2, 6 से 2 को माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4, ठीक है। इसी तरीके से अब +2 पुट करें, ठीक है। 5 वैल्यूज़ मैक्सिमम हमने पुट करनी है इसमें। नाउ लेट x इक्वल्स टू +2, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। तो x की जगह वैल्यू पुट करें, y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x की जगह वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 2s are 4, 4 और 6 को ऐड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 10, y इक्वल्स टू 10। और लास्ट हम वैल्यू पुट करेंगे नाउ x इक्वल्स टू -2। इक्वेशन क्या है 1 हमारे पास y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 6 प्लस 2x की जगह -2, तो ये बन जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 और 6 से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब देखिए सबसे पहले तो इसके लिए हम वही टेबल बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें टेबल आपके पास कैसे बनेगा। ये मेरे पास टेबल बन गया और हमने मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ फाइंड किए, 1 2 3 4 5, 5 एक्स की वैल्यूज़ लेट की हैं जिससे हमारे पास 5 वाई की वैल्यूज़ आई हैं। तो हम इस टेबल में 5 टोटल खाने बनाएंगे। तो ये बनेगा 1 2 3 4 और 5 बन गया। तो मिड में मैं x, यहाँ पर देखिए ऊपर वाले रो में हम x की वैल्यू लिखेंगे और नीचे वाले रो में y की। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए मिड से स्टार्ट करता हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई थी 6, तो इसके नीचे मैं 6 लिख दूंगा y के रो में। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की यानी कि +1, तो राइट साइड पर हम प्लस लिखेंगे और लेफ्ट साइड पर माइनस वाली। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8। इस तरीके से जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की तो -1 को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4, सही है। इसी तरीके से जब मैंने x की वैल्यू +2 पुट की यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 10। और जब मैंने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब इस टेबल का जो है ना मैंने ग्राफ बनाना है। ये मेरे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, ये इसमें देखिए एक ऑर्डर पेयर मेरे पास -2 2 है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर मेरे पास -1 और 4 बन रहा है, ये वाला जिसमें x की वैल्यू -1 4। इस तरीके से ये मैंने 5 ऑर्डर पेयर बनाए हैं। इससे मैं एक इक्वेशन ग्राफ यानी कि इक्वेशन का एक हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ XY प्लेन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने XY प्लेन बना रहा हूँ जिसमें यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव यानी कि +1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 9 और यहाँ पर 10। अब y एक्सिस की तरफ भी इस तरीके से नंबर लिखे 1, देन 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 एंड so on, इस तरीके से। अब x एक्सिस की तरफ नेगेटिव यानी कि हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड so on। अब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखिए हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। इस टेबल में जो है फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या -2, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास -2 है। इसको जो है ना हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये -2 आ गया एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे यानी कि 2 प्लस, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए 2 के सामने आपने यहाँ पे पॉइंट बना लेने। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा -2, 2 का। अब सेकेंड ये वाला पॉइंट बनाना है। एक्स एक्सिस पर 1 यानी कि -1 और वाई एक्सिस पर 4 यानी कि ऊपर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट बनेगा ये, और ये पॉइंट कौन सा होगा -1, 4 का। अब नेक्स्ट देखिए एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है 3rd 0 और वाई एक्सिस पर 6। तो ये एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस की तरफ चले तो यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 6 पे। ये है 0 और 6 का। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास 1 यानी कि यहाँ पर 1, क्योंकि वाई एक्सिस पर 8 और 10 है तो यहाँ पे हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके यहाँ पर 8 बना लेते हैं, और फर्ज करें यहाँ पे 9 और 9 के बाद यहाँ पे 10 है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 यानी कि 4th पॉइंट, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर क्या है 8, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चले 8 के सामने हम यहाँ पे बना लेंगे। सही है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है नेक्स्ट ऑर्डर पे 2 और वाई एक्सिस 10, तो ये 2 के ऊपर जाके यहाँ पर 10 के सामने हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो ये वाली जो पॉइंट है ये मेरे पास 1, 8 है यानी कि ऑर्डर पेयर में, और ये वाला 2, 8 है और 2, 10 सॉरी। तो अब इस पॉइंट्स को आपने फुट की हेल्प से बिल्कुल इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ठीक है। ये पॉइंट जो है ना इसके ऊपर आएगा, तो ये आपके पास इस गिवन इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही अब जो नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है पार्ट बी में हमारे पास है y = 1 - x। इसका हमने ग्राफ बनाना है। सोल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं y = 1 - x। सेम उसी तरीके से हम 5x की वैल्यूज लेट करेंगे और उससे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से लेंगे 0 से। लेट x = 0, तो ये इसको मैं अगर इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ तो इक्वेशन 1 में पुट करें y = 1 - x की जगह 0, तो ये बन जाएगा y = 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से ही अब लेट कर लेते हैं हम x = +1, तो y की वैल्यू y के इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है y = 1 - x, सो y = 1 - x की जगह 1 और y = 1 से 1 माइनस कर दे तो 0। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास है लेट x = -1। इक्वेशन में क्या गिवन है y = 1 - x, सो देन y = 1 - x की वैल्यू हमने क्या लेट किया -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो y = - क्या होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरीके से ही नेक्स्ट है हमारे पास लेट x = 2, सो यहाँ पर y = 1 - x, x की वैल्यू 2 पुट करें, सो y = 1 - 2, देन y = 1 से 2 माइनस करें तो -1, और लास्ट वैल्यू हमारे पास लेट x = -2, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा y = 1 - x, देन y = 1 - x की जगह -2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 इनके -- +2, ठीक है y की वैल्यू, और y = 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल बन जाएगा जिसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होंगे, इनकी 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ फर्स्ट में हम x की वैल्यू लिखेंगे और सेकंड में y की। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब मैंने 0 ली इसको मैं मिड में लिख लेता हूँ, तो y मेरे पास क्या आया +1। जब x की वैल्यू मैंने +1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास 0, यानी कि x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू क्या हुई 0। जब x की वैल्यू मैंने -1 ली तो y की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब -1 तो y की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू हमने 2 ली तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे लिखने प्लस वाले सारे वैल्यूज़ हमने राइट साइड पे लिखनी है, इनके x जो हमने प्लस में लिए उससे जो भी आंसर आया हम उसके नीचे लिखेंगे, और माइनस में जो हमने वैल्यूज़ लिए वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो देखिए इससे वाई मेरे पास -1 आया। अब -2 यानी कि x मैंने लिया था तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मैंने इसके इस टेबल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है जो कि इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम उसी तरीके से हम सबसे पहले xy प्लेन बना लेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने एक xy प्लेन, यहाँ पर मेरे पास x एक्सिस पे पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पर इस तरीके से +1 +2 +3 +4 एंड देन +5, और इस साइड पे हमारे पास है -1 -2 -3 -4 और -5, और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर से शुरू करते हैं जिसमें x हमारे पास क्या -2, यहाँ पर देखिए x -2 है, और y एक्सिस पे हमारे पास कितनी वैल्यू, क्या वैल्यू आई है, 3। इनके -2 से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर 3 के सामने एक पॉइंट बना लेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास -2 और 3 का है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट देखें, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है -1, तो ये आ जाएगा, और y एक्सिस पे +2, तो यहाँ पे -1 से ऊपर की तरफ जाओ वो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 और 2। देन यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे मेरे पास क्या है 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस पे +1 तो वो कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या पॉइंट बनेगा, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट अब देखिए x एक्सिस पे +1 और y एक्सिस पे 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, 1 और 0। और देन देखिए x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -1 यानी कि ये 2 x एक्सिस पे, यहाँ पर आपके पास -1, तो आपके पास आ जाएगा 2 -1, ठीक है। और देन आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है जिससे आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट 3 यानी कि सी पार्ट में देखिए हमने फाइंड करना है y = 2। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। देखिए इसके लिए आपने डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैं इसके लिए xy प्लेन बना लेता हूँ क्योंकि इसमें हम x की वैल्यूज़ तो पुट कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 2 3 4 इस तरीके से, यहाँ पे +1 +2 +3 +4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से -1 -2 -3 एंड -4। देखिए y = 2 यानी कि y के ऊपर हमारे पास 2 ये आ रहा है ना, यानी कि ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगी अलॉन्ग x एक्सिस की तरफ, पैरेलल टू द x एक्सिस। रीज़न कि अगर आप x की जगह 1 लें, x की वैल्यू 1 लें तब भी आपके पास 2 ही आंसर आएगा, इसका मतलब ये है। अगर आप x की जगह 2 लें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, अगर आप x की जगह 3 लें तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये इसलिए यहाँ पर देखिए x की जगह अगर आप +1 लें तब भी y 2 पर होगा, अगर +2 लें तब भी ये y इनके अलॉन्ग y एक्सिस 2 पर होगा। तो ये हमेशा अलॉन्ग x एक्सिस इनके पैरेलल टू द x एक्सिस स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑन 2y के ऊपर, ठीक हो गया। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास d पार्ट है। d पार्ट में हमारे पास है y = x। इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं अब क्वेश्चन को लिख लूँ। क्वेश्चन है मेरे पास y = x। अब सेम उस तरीके से हम 5 वैल्यूज़ x की लेट करेंगे। लेट x = 0, 0 से स्टार्ट लेते हैं तो हमारे पास y भी क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से अगर लेट x = 1 आ जाए तो यहाँ पे y = x यानी कि हमें इक्वेशन दी हुई x की जगह 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ, ठीक है, तो इक्वेशन मुझे गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह मेरे पास -1 आ जाएगा, सो y इक्वल्स टू -1। देन इस तरीके से नेक्स्ट x इक्वल्स टू +2 ले, तो इक्वेशन क्या गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, देन y इक्वल्स टू एक्स की जगह आ जाएगा -2 और सॉरी +2, और लास्ट में -2 यानी कि हम फिफ्थ इक्वेशन पुट करेंगे x इक्वल्स टू -2। इक्वेशन हमें क्या गिवन है y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की जगह -2 पुट कर दे तो y की इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हम इसके लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल में तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा ना, इसका मैं यहाँ पर यूँ हॉरिजॉन्टल यानी कि वर्टिकल टेबल बना लेते हैं यूँ। ठीक हो गया। यहाँ दरमियान में कॉलम, तो यानी कि इस साइड पे मैं x एक्सिस की वैल्यू लिखूँगा और यहाँ पर y एक्सिस की। x की वैल्यू जब 0 तो y का आंसर भी हमारे पास 0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, यानी कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। इस तरीके से अगर आप x की वैल्यू -1 ले -1 तो y भी -1 आ रहा है। देन x की वैल्यू जब 2 ली तो y भी 2 आया, और जब x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू भी -2 आई। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4 एंड देन 5। इस तरीके से यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और यहाँ पर आपके पास -1 -2 -3 एंड -4, और डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी हमारे पास -1 -2 -3 इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, x भी 0 y भी 0, यानी कि ओरिजिन पॉइंट ये हमारे पास क्या है 0 0। देन सेकंड ऑर्डर पेयर, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 ये और y की वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास 1 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सेकेंड थर्ड हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या -1 -1, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो यानी कि इसको मैं लिख लेता हूँ -1 -1। देन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है +2, x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी, तो वो कुछ यहाँ पर बनेगा ये 2 और 2। फिर आपके पास नेगेटिव यानी कि यहाँ पर -2, तो y एक्सिस पे भी -2 आंसर आ रही है हमारे पास, तो ये मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर आपके पास पॉइंट बन जाएगा। तो देन इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।